तो गाइस मैं हूं सबरे मीना और आज आपको अपना डिग्री कॉलेज दिखाऊंगा शकरगढ़ का, जहां मैंने एफएससी की 2 साल 2003 से 5। आइए देखिए, ये है मेरा कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शकरगढ़, जहां पे मैंने 2003 से 5 तक एफएससी की। आइए आपको दिखाते हैं ये कैसा है और क्या तब्दीलियां आई हैं। तो गाइस ये है जी कॉलेज की एंट्रेंस, और इसके इर्द गिर्द देखें आप, बहुत ज़्यादा हरियाली है, ग्राउंड है, और राइट साइड पर भी ग्राउंड है। तो ये है जी कॉलेज की एंट्रेंस, ये इसकी एंट्रेंस है। हालत तो कुछ खस्ता ही है, लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़, ये हाल होता था जिससे हम एंटर होते थे। और इसके बिल्कुल सामने ग्राउंड थी हमारी, जिसकी जगह पे अब एक हाल बन गया, यहाँ पे ईद की नमाज़ वगैरह भी पढ़ाई जाती है। और ये इसकी बाहर एग्ज़िट है, तो ये है मेरा कॉलेज। तो गाइस ये डिग्री कॉलेज शकरगढ़ की पार्किंग है, जब हम आते थे तो यहाँ पर बाइक खड़ा करते थे। इसके सामने एक छोटा सा लॉन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हरियाली है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो। और चलते जाएं तो ये पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन है, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं। मैं दिखाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन का इफ्तिताह किया था डॉक्टर ताहिर अली जावेद, जो कि पार्लियामानी लीडर मुस्लिम लीग पंजाब, साबिक वज़ीर सेहत व खसूसी तलीम रह चुके हैं। और ये मैं बता दूँ, ये पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन है, हमारे टाइम पर ये नहीं होता था, यानी यहाँ पर MA और उसकी मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ यहाँ पर करवाई जाती है। ये डिग्री कॉलेज की आप क्लास देख लें, इस तरह के हमारे फटे होते थे और अभी तक भी इसी तरह के हैं। ये कुछ यादें हैं जी जो हमने सुनाई हैं। गाइस ये टिपिकल मेरा हॉल था जहाँ पे मैं एफएससी पढ़ता था। और आदिन अगर आप मेरा व्लॉग बनाओ, इधर से ऐसे रखना बताता हूँ। तो ये वाली जगह बिल्कुल इस जगह पे मैं बैठता था जहाँ पे आधीन बैठा है, और यहाँ से अगर आप देखें तो बिल्कुल सामने बनता है बोर्ड, और बहुत ही प्यारी यादें हैं जी माजी की। लेक्चर हॉल के बिल्कुल सामने ये ग्राउंड था, यहाँ पे हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, बाहर ही बैठते होते थे हम। अब यहाँ पे लोग बैडमिंटन खेल रहे, तब भी ये हाल होता था। और यहाँ पे मलिक नज़ीर साहब, अल्लाह उनकी मगफ़िरत फरमाए, हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, इसके सामने बिल्कुल हॉल था। तो गाइस ये स्टाफ रूम के सामने बिल्कुल एक हॉल था, यहाँ पे हमारी उर्दू की क्लास हुआ करती थी कभी कभी। और इसके बिल्कुल सामने ये एंट्रेंस है, और ऑफिस सीधा मैं दिखाता हूँ आप, स्टाफ रूम होता था। अब मेरा ख्याल है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पे टीचर्स वगैरह जो है पूरी फैकल्टी बैठती थी। ज़ाहिर डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब मे बी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और ये सामने जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस ही था, कंट्रोलर एग्जामिनेशन का ऑफिस है, और अभी भी इसी तरह है जिस तरह पहले था। और ये जी प्रिंसिपल ऑफिस है, इसको लगा है लॉक, और ये जी प्रिंसिपल ऑफिस है टिपिकल। इस टाइम तो बंद है, मैं आपको दिखा नहीं सका, और वो क्लरिकल ऑफिस है अगर आपको मैं दिखा सकूं। और वो सामने रोड जा रहा है, उससे आगे जो है सीधा जो है जब गली जा रही है वो स्कूल की थी, स्कूल की नहीं थी यानी मेरे कॉलेज की क्लास थी। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ बदला नहीं है, क्योंकि सरकारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी जो कॉलेजेस हैं, उनके हालात ऐसे ही रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी मुल्क में ऐसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मेरे पीछे आप देखें, जो मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर मस्जिद थी, वो अब तमीर हो रही है, फैकल्टी ऑफिस तमीर हो रहे हैं, और ये वाशरूम से यहाँ से वो बंद है। तो मतलब कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन यू कैन से कि बहुत बड़ा कॉलेज है और अब पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। तो अब मैं थोड़ी सी आपको ये एक हॉल बना था वो दिखाता हूँ, जहाँ पे ईद की नमाज भी पढ़ाई जाती है। डिग्री कॉलेज के बिल्कुल बाहर ये फ्रूट चाट वाला होता था लोरी, अभी भी बड़ी अच्छी इसकी फ्रूट चाट है, अभी वो मौजूद है। और उसके बाद हम लोरी बादशाह कहते थे। इसके बिल्कुल सामने THQ हॉस्पिटल शकरगढ़ है, अब दरख्तों में नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो वो देखें जी THQ हॉस्पिटल शकरगढ़ लिखा हुआ है। और इसके बिल्कुल अगर सामने जाते जाएँ तो इस तरफ जाएँ तो ये शकरगढ़ आ जाता है। और इस तरफ अगर हम आहिस्ता मुड़ते जाएं तो सामने ज़फरवाल की तरफ ये रोड जाता है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, आज आपको दिखाया डिग्री कॉलेज शकरगढ़। आज से 20 साल पहले मैंने यहाँ से FSC की थी, और कुछ खातर खा तब्दीलियाँ नहीं हैं, लेकिन एक यादें थी जो मैंने अपने बच्चे को दिखाई हैं। और ये लोरी आ गया, लोरी भाई क्या हाल है? लोरी से हमने बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट खाई है जिसकी मैंने आपको दिखाई है। लोरी भाई मेरा चैनल है मीना व्लॉग्स, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह जी, जेड़ा पकड़ गुजर गया माशाल्लाह अच्छा गुजर गया। अच्छा, सन बनवे तो शुरू किया था कम थोड़ी दुआ न। अच्छा जी, बहुत ही अच्छे लोरी भाई
लोरी भाई की फ्रूट चाट लाजमी खाएं, और मेरे चैनल के बारे में बोलने के सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी। तो गाइस कॉलेज देखा है, कॉलेज में कोई इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई, हालत बस कुछ ऐसी तरह की है, क्या बताएं आपको। तो ये थी कुछ 20 साल पुरानी यादें। मोहिब, आपको मेरा कॉलेज कैसा लगा है? अच्छा। और आपको मैंने अपना वो बताया ना जहाँ मैं बैठ के पढ़ता था, वो जगह आपके स्कूल से अच्छी है कि आपका स्कूल अच्छा है? आपका। मेरा कॉलेज अच्छा है? आपका स्कूल अच्छा नहीं है? मेरा भी अच्छा है। मेरा भी अच्छा है। तो मोहिब, आपको जब आप बड़े हो गए इंशाल्लाह कॉलेज जाओगे तो फिर आप अपने कॉलेज भी मुझे दिखाना, ठीक है? ओके। मेरे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके जी गाइस, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।